अगर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया जाएगा तो होश उड़ जाएंगे। अरे हम तो 100% विश्वास कर रहे हैं जी। हाँ, यकीन नहीं है तो हम तो करके दिखा कर दे। लोगों को केवल फंसाया जाता है, आप 3100 रुपए दें, 1,00,000 दें, 51,000 दें, बस ये है। हम उनसे कहे थे वाणी से बड़ी कोई शक्ति भी बेटा, जो कुछ भी करती हो तुम अपनी वाणी से ही क्या करती हो नहीं करती। मनुष्य तो आया है केवल जिएगा, खाएगा, पिएगा और मर जाएगा, बाकी ऐसी दिव्य शक्तियाँ उसके पास नहीं है। जो ब्राह्मण जो पूजा करता है वो सत्य बोलता है, नेता कभी सत्य नहीं बोलता। वैसे तो सन्यासी जंगल में वास करता है, गाड़ियों में नहीं करता है, गाड़ियों में नहीं चलता है। वही करना चाहिए, जगह दूसरे के मन के बोलने से नहीं करना चाहिए। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हाँ, मोबाइल नंबर भी बता देते हैं, आधार नंबर भी बता देते हैं। नहीं, वो तो जासूस तो चारों तरफ फैले हुए उनके, कैसे कि 5 दिन सामने वाला अगर रुका है बागेश्वर धाम में, जाते ही साथ तो महाराज से मिल नहीं सकता। वो 4 से 5 दिन तो उसको लगेंगे मिलने में, जब तक उसकी 8 से 10 बंदे तहकीकात कर लेते हैं और महाराज को पूरी खबर पहुंच जाती है और महाराज पहले ही लिख लेते हैं क्या है परेशानी उन्हें लोगों को। हाँ, कैसे कि मनुष्य तो ऐसी कोई चीज है नहीं है कि पत्थर पड़ा और ऐसा उठा दे। मैं तो कहूँ कि पब्लिक ही मूर्ख है जो फंस जाते। कुछ बाबा तो ऐसे होते हैं जो पेड़ों के नीचे जंगलों में रहते हैं, पर कुछ बाबा तो यार गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। जी कोई बाबा नहीं है। बाबा आपको मिलेगा अमरनाथ, केदारनाथ, बर्फ पे ठुटर रहे हैं जंगलों में, वो कहते हैं बाबा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। छतरपुर से 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एक गांव गढ़ा, और गढ़ा में स्थापित है एक प्राचीन काल से शिव मंदिर, और उसी शिव मंदिर के पास ही बागेश्वर बालाजी का मंदिर है। बागेश्वर बालाजी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हम बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा दिव्य दरबार में लोगों की समस्याओं के साथ साथ उनके घर से जुड़ी हुई समस्याएं, यहां तक कि लोगों के माता पिता का नाम, उनके मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यह एक धाम ऐसा है जो हिंदू धर्म के साथ साथ आध्यात्म को समझने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के तौर पर बीते कुछ वर्षों में उभरा है। लेकिन अभी हम बात इस चर्चा की कर रहे हैं कि पिछले दिनों 5 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक नागपुर में उनकी कथा आयोजित थी, जिस कथा के आयोजन के बाद कुछ विवाद पैदा हुए। ये विवाद कुछ ऐसे हैं कि महाराष्ट्र की अंधभक्ति अंधश्रद्धा निवारण समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए कि इस तरह की दिव्य चेतनाएं मनुष्यों में होना दुर्लभ है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी चेतनाएं नहीं होती हैं, और इसकी वजह से उन्होंने अपनी समिति के माध्यम से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निवारण कानून 2013 के अंतर्गत उन पर केस किया है। और उन्होंने इस चीज को लेकर के दावा किया कि बागेश्वर बालाजी सरकार के द्वारा उनके दावे को स्वीकार किया जाए और उनके द्वारा चुने गए 10 लोगों के बारे में सही जानकारी दिलाई जाए। अगर सही जानकारी दे जाती है तो उन्हें पुरस्कार स्वरूप या फिर मानहानि स्वरूप 30,00,000 रुपए देने की पेशकश मानव श्याम के द्वारा की गई। लेकिन इस चीज के पीछे की वास्तविकता क्या है, आध्यात्म के नजरिए से क्या कहा जा सकता है, इस बारे में आज हम मां नर्मदा के पावन पुनीत ग्वारी घाट में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कई वरिष्ठ जन हैं, उनसे हम इस विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का द खबरदार न्यूज पर। जैसा कि हमने अभी बताया कि नागपुर में 5 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक उनकी कथा का आयोजन था, तो जो मानव श्याम है अंधश्रद्धा निवारण समिति के सह अध्यक्ष, उनके द्वारा यह आरोप लगाए गए कि बागेश्वर धाम सरकार 11 तारीख को अपनी कथा छोड़ करके चले गए। हालांकि यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि 5 जनवरी को उनके ट्विटर हैंडल से ये बात की घोषणा की गई थी कि हमारी कथा 13 तारीख तक ना होकर के 11 तारीख तक ही होगी, और ये जो मसला उठा है वो 9 तारीख का है, मतलब उससे पहले ही उन्होंने कथा को 11 तारीख को समाप्त करने की बात कही थी। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं भाई? ये तो समिति संस्था का काम है, उसने कैसा आयोजन किया अब जी उनके ऊपर है, अपन इसके मामले में क्या बोल सकते। अब रही बात बागेश्वर धाम की, तो वो तो एक संत है, गुरु जन लोग कहलाते हैं, और गुरु संज्ञा को जो जानता है तो वो उसी को ब्रह्म का ज्ञान होता है। ब्रह्म जन आयते ब्राह्मण वो ब्राह्मण है, गुरुजन लोग हैं, वो जो ज्ञान उन्हें है। एक भी मंदिर पत्र कर सोदा
अंकित जूदा। तो भारतवर्ष के अंदर ऐसे हमारे तो बहुत से संत योगी महात्मा लोग हैं, और उन्हीं की कृपा से आज तुम देखो राम जन्मभूमि बन रहा हो, राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है उन्हीं की कृपा। और वो बगला मुखी पीताम्बरा पीठ के महंत है, वो खुद ही उनको उनके भक्तों उनके लिए कुछ काम करना कर गुजरना कोई बड़ी भारी बात नहीं। तो जैसे कि जो मानव श्याम है जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, उनके द्वारा जो बात ये कही जा रही है कि हम दावा कर रहे हैं कि हमारे द्वारा चुने गए 10 लोगों के बारे में आप उचित जानकारी दीजिए, लेकिन अभी तक कोई जो है तो इनकी तरफ बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया है, इस बारे में क्या मानते हैं? समझदार आदमी जानता है यार कि मूर्ख बहुत से बोलते रहे, चुप रहने में फायदा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर उनके अंदर ऐसी दिव्य चेतना है, दिव्य शक्ति है, तो वो मेरे दिमाग को जो तो चेंज क्यों नहीं कर दिए, मैं उनके ऊपर सवाल आखिर क्यों फिर उठा रहा हूँ अगर ऐसी चेतनाएं हैं उनके भीतर। अगर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया जाएगा तो होश उड़ जाएगी। हाँ, सबको वो शक्ति प्राप्त थोड़ी होती, ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया जाएगा तो हक मारेंगे, भूल जाएंगे कि शक्ति कैसे करी जाती, वो उन चीजों को जानकार थोड़ी है। अगर जानकार होते कैसी बात न करते, उसके जानकार हैं तुम्हारे गुरु महाराज बागेश्वर धाम, उनको जानना उनको समझना सबके बस का काम नहीं, अज्ञानता की वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। अज्ञानता की वजह। और दिव्य चेतना की अगर हम बात करते हैं, दिव्य शक्तियों की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों में आप कितना मानते हैं? अरे हम तो 100% विश्वास कर रहे हैं। हाँ, यकीन नहीं है तो हम तो करके दिखा कर दें जी। आप भी दिव्य चेतना? हम खुद बगला मुखी पीताम्बरा पीठ के मठाधीशा जी। तुम बोल रहे हैं, हम तो भरे ऐसा नहीं है, अन्यथा हम लोग कोई से मतलब रखत नहीं है। लेकिन एक प्रश्न जो है तो जरूर पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे कोई भी साधना होती है या किसी भी तपस्या की सिद्धि के लिए मनुष्य के जीवन को एक लंबे समय तक जो है तो साधनाएं करनी पड़ती है। पूर्व काल के हम अगर ऋषि मुनियों की बात करते हैं तो सदियां बीत जाती थी, वो साधनाएं करते रहते थे, लगातार तपस्याएं करते रहते थे, तब जा करके दिव्य चेतनाएं प्राप्त होती थी, दिव्य शक्तियां प्राप्त होती थी, सिद्धियां प्राप्त होती थी। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की उम्र जो वर्तमान में है वो लगभग 26 वर्ष के अंदर ही है, तो क्या इतने कम समय में भी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं? ईश्वर किसके घर में जन्म ले ले, कोई भरोसा? कन्हैया कहाँ जन्म ले ले, कोई भरोसा नहीं। न जाने कन्हैया किसके गर्भ में चला जाए, वो बड़ा होके वो अपना खेल अपने आप बताने लगे, जैसे नरेंद्र मोदी बताने लगे कब बसी धोत प्रधानमंत्री बन गए। और जहाँ तक बात होती है, ये तो कर्म का जितने भी कर्म है ये तुम्हारे जन्मांतरों से, अगर आप उस लेन के हो, साधु संत हो, कर्म कांड करते हो, तो वो ईश्वर आपके साथ आदि अनादि चल रहा है जी। और जो कल के जो कुछ जानते ही नहीं है, जिनने सनातन धर्म को समझे ही नहीं है, तो उनके बारे में क्या बात करेंगे, हम उनका जीवन बुझाएं। पूर्व में एक निर्मल दरबार आए थे, शायद उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी, निर्मल बाबा जो ये बताया करते थे कि किसी डोसे की दुकान पे जाकर के आप डोसा खा लीजिए, कृपा अटकी हुई है तो वहाँ से आना शुरू हो जाएगी, आप जो है तो समोसे खरीद करके दो गरीबों को दे दीजिए, ये मनोभाव है। अब उन्हें कोई ऐसी चीज की प्राप्ति है या आप उनके सामने गए तो दयालु भाव के है, जब बेटा ठीक है काम ऐसे हो जाएगा तो वो काम हो जाता। लेकिन फिर वो बिल्कुल भूमिगत हो गए जो है, तो उनके ऊपर आरोप लगे तो आज वो निर्मल बाबा कहीं है ही नहीं। एक मिनट, अच्छाई बुराई यह मनुष्य है, इसके मन में कब अच्छे भाव उत्पन्न हो जाए कब बुरे उत्पन्न हो जाए ये तो वो भी नहीं जानते। ये बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं कि मतलब किस व्यक्ति के जीवन में कब तक, जब तक लोभ नहीं है तब तक ही सारी चीजें सही हैं, और जैसे ही लोभ काम मोद आ जाता है वहीं से उसकी सारी सिद्धियां, वहीं से उसका ईश्वरीय प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। जब आपका मन भाव गड़बड़ भाई बेचबे गए, अब तो पथरा पूजत रहो, जैसे आसाराम बापू थे, राम रहीम थे, पथरा पूजत रहो, बैठे रहो, वो तो कछु नहीं है, गार्ड वही है जहाँ उसका सेवक है, जहाँ उसको जिसकी लगन वहाँ पे लगी है उसके साथ है गार्ड। अब उसमें तुम्हारी लगन है ही नहीं है तब कैसे तुम्हें सूरज में याद देख लो, आप ऐसे भाव लाओ ईश्वर तो कल भी प्रकट होते रहे आज भी हो, भगवान तो कल ही प्रकट होते रहे आज भी हो। और जो लोग इस चीज को पूरी तरीके से अंधभक्ति बताते हैं या जादू टोना बताते हैं या फिर और ऐसी चीजें कहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे स्पष्ट शब्दों में? हम उनसे कहते
वाणी से बड़ी कोई शक्ति नहीं बैठी। जो कुछ भी करते हो तुम अपनी वाणी से ही क्या क्या करते हो, नहीं करते बोलते हो कि नहीं, अपनी वाणी को आप स्वयं सोचोगे आप बोल क्या रहे। और आप क्या मानते हैं इस विषय पर? हम तो ये मानते हैं कि जो सही है सत्य है तो वही सत्य रहेगा, जो वाणी जो बोले और मन जो बोले वही करना चाहिए, बगैर दूसरे के मन के बोलने से नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। आपका मन बोल रहा हमारे प्रति अच्छा है और हमारा मन बोल रहा नहीं कि प्रति अच्छे नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? तो फिर दावे को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक दावे स्वीकार नहीं किए गए हैं? कोई नहीं करता। आप जितने कर रहे हैं जो नेता जितने भी हैं करते कभी नहीं। जो ब्राह्मण जो पूजा करता है वो सत्य बोलता है, नेता कभी सत्य नहीं बोलता। नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो नेता थोड़ी ना है, वो तो शास्त्री नहीं, वो तो सत्य बोलेंगे। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, फिर उन्होंने दावा स्वीकार क्यों नहीं किया अभी? वो इसलिए नहीं किया कि जो चार ठेंगे जो उनके पीछे भूत लगे हैं विरोध करने वाले, उन्होंने कहा तुम करते रहो उससे कोई फर्क नहीं उनको। हाँ उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, उनको कुछ नहीं है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास सत्य है वो भगवान से लगा है, उसको किसी की जरूरत नहीं। तुम चिल्लाते रहो ना भौंकते रहो। और जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं उन्होंने कई पूर्व संतों के बारे में भी बताया है कि हमने इस तरीके से उन लोगों को भंडाफोड़ किया। एक इंदौर के संत के बारे में वो बताते हैं कि हम लोग पूरे टीम जितने उन्होंने बताई है उन सब ने दूसरों की गाड़ी देखी है जी, कभी भी अपनी शक्ल नहीं देखी जी। और अगर उन्होंने अपनी शक्ल देखी होती ना तो ये बता दी की जरूरत न पड़ती। अंतर मन की आवाज दबा के रखी है भाई, अब उनके अंदर मन में भाई गंदगी भरी रही, जो उनने देखो है अब वो भरी है उनके अंदर, तो वही उनने देखी, हमने तो देखा ही नहीं थे, ताकि हमारे मन में भाई ही नहीं है। तो गंदगी हम ही से है और अच्छाई भी हमी से। हमको करना है कि देखना क्या है समझना क्या है दिखाना। तुम जानो ना कि तुम का देख रहे हैं का करने, अब तुम का देख रहे हैं हम का देख रहे हैं, और जो अभी हम देख रहे हैं फिर भी तुम वो नहीं देख रहे। जरूरी नहीं कि साथ में खड़े हैं तो एक दूसरे की हम देख रहे हैं, नहीं नहीं हम तुम्हारी तरफ भी देख रहे हैं वो तरफ भी निगाह है, तो निगाह तो कई तरह जाती नहीं है। तो अपने एक विचार को लेके थोड़ी चल सकते हैं इंसान, तो अनेकों विचार। आप क्या मानते हैं कि युवा के तौर पर जो थे इस बारे में? समस्या तो परिवार में हर ही जगह है, हर इंसान कहीं ना कहीं पीड़ित है, चाहे वो परिवार से हो चाहे धन से हो चाहे वो काम से हो चाहे कोर्ट से हो चाहे कचहरी से हो, कहीं ना कहीं तो पीड़ित। जादू टोना पे मानते हैं? जादू टोना तो एक लोगों की सोच है। हाँ मतलब मानते हैं या नहीं मानते हैं, होता है या नहीं होता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। ये तो यार जीवन है तो सब कुछ है, आत्मा है परमात्मा भी है, लोगों की सोच अलग अलग है कि ये सामने के जो संत है वो जादू टोना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर लोगों की सोच खराब है। एक संत हमेशा मार के दिखाता, उसके प्रति आपको जो श्रद्धा देना वो संत तो मांग नहीं रहा। आप एक चीज यहाँ पर हम थोड़ा सा टोकते हुए आपसे बोलेंगे कि जो गढ़ा जगह है जिस जगह पर बागेश्वर बालाजी धाम स्थापित है तो उस जगह पर मरघट पहाड़ी उस जगह को बोला जाता था। वहाँ की जो जमीनें हैं कई चार पांच लोगों की जमीनें हैं, तो उन जो है तो जमीनों को लेकर उनके अतिक्रमण को लेकर के अब बात चल रही है, पुलिस में केस भी किए गए। लेकिन जिन लोगों की जमीनें हैं तो वो लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि पुलिस भी उनके चरणों में जाती है, नेता भी उनके के जो होते उस पर जाते हैं, तो इसकी वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो अतिक्रमण के भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। तो आपने जैसे कहा कि वो तो किसी से ले नहीं रहे हैं, किसी को बुला नहीं रहे, तो ये आरोप भी उनके ऊपर है, इस बारे में क्या? अगर उनने किसी की जमीन ली है तो उनको लौटा देना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। गरीब किसान है, खेती किसानी कर रहा है, कैसे ली होगी उनने जमीन? अब बाबा जी के बाद तो दौलत अपराध हो गई है, वो कहीं ना कहीं तो फैलाएंगे दौलत। सन्यासी हैं तो उनको छोड़ना चाहिए। वैसे तो सन्यासी जंगल में वास करता है, गाड़ियों में नहीं चलता। सन्यासी हमेशा जंगलों में मिलेगा, फोर व्हीलर में नहीं मिलेगा। ना उसको 25 लाख चाहिए ना 30 लाख चाहिए, तो उनके पास जितनी भी दौलत आ रही है वो तो बच्चियों की शादी कराएं, जो गरीब घर हैं उन तरफ देखें, दौलत के प्रति ना भागे। उनके पास तो वैसे ही आ रही है, लोग वैसे ही दे रहे हैं उनको, क्योंकि वो समाधान बता रहे हैं। कई लोगों का परिवार उनने सही कर दिया है। उन शक्तियों पे विश्वास है आपको, जो ऐसी शक्तियाँ हैं कि आपके घर के तीसरे कमरे के आलमारी के दूसरे दराज पे
कितना सोना रखा हुआ है, कितनी चांदी रखी हुई है, सारी चीजें बता दे। ये तो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो यही सवाल तो मुख्य तौर पर हम आपसे पूछना चाह रहे थे तब से। यहाँ भ्रमित किया जा रहा है, तो यही आरोप भी है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि आपके घर में ये है वो है, ऐसा नहीं कि आपके घर में तीसरे कमरे में खजाना है, ऐसा नहीं है। एक संत का सही निर्णय, मोबाइल नंबर भी बता देते हैं, आधार नंबर भी बता देते हैं। नहीं, वो तो आप जासूस तो चारों तरफ फैले हुए उनके, जासूस लूट चल रही है। अच्छा, हाँ देखो, 5 दिन पहले से एक व्यक्ति आ जाता है, 5100 की पर्ची कटाता है, वो 5 दिन वहाँ रुक रहा है, जब तक 4 बंदे 10 बंदे जासूसी पूरी कर ले, उनसे सब पूछ लिया जाता है कि आपको क्या परेशानी है। हो सकता है ये घटना घटती हो, और जो लोगों ने आरोप लगाए हो सकते वो सच है वो आरोप, क्योंकि 4 दिन 5 दिन अगर सामने वाला रुक रहा है तो उसकी तहकीकात हो सकती है, और वो बाबा जी को पता चल जाती होगी, इस कारण वो सब बता देते होंगे। और ये भ्रमित जो किया जा रहा है, तीसरे घर में खजाना, ये भ्रमित ही किया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं है। लोगों को केवल फंसाया जाता है, आप 3100 रुपये दें, 1 लाख दें, 51,000 दें, बस ये है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हाँ, कैसे कि 5 दिन सामने वाला अगर रुका है बागेश्वर धाम में, जाते ही साथ तो महाराज से मिल नहीं सकता, वो 4 से 5 दिन तो उसको लगेंगे मिलने में, जब तक उसकी 8 से 10 बंदे तहकीकात कर लेते हैं और महाराज को पूरी खबर पहुंच जाती है, और महाराज पहले ही लिख लेते हैं क्या है परेशानी उन्हें लोगों को। हाँ, कैसे कि मनुष्य तो ऐसी कोई चीज है नहीं है कि पत्थर पड़ा और ऐसा उठा दे, मनुष्य तो आया है केवल जिएगा, खाएगा पिएगा और मर जाएगा, बाकी ऐसी दिव्य शक्तियाँ उसके पास नहीं है। आसाराम बापू भी थे कुछ समय पहले तक, राम रहीम भी थे, ये सब बेकार है, ये टूटा जा रहा है। राम दक्ष भी थे। मैं तो कहूँ कि पब्लिक ही मूर्ख है जो फंस जाती, उसे खुद नहीं मालूम कि उसकी समस्या का समाधान अगले के पास ढूंढने जाती, जो कि उसके पास खुद है समस्या का समाधान, वो यहाँ वहाँ आवा बावों के चक्कर में भटकती रहती है, और पास से भी पैसे जाते हैं, परेशान हो जाते। मैंने ये देखा कि यार बाबा तो यार ज़्यादातर रास्ता सही बताते हैं, पर कुछ बाबा तो ऐसे होते हैं जो पेड़ों के नीचे जंगलों में रहते हैं, पर कुछ बाबा तो यार गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। जी कोई बाबा नहीं है, बाबा आपको मिलेगा अमरनाथ केदारनाथ बर्फ पे ठुटर रहे हैं जंगलों में, वो कहते हैं बाबा। उन बाबा के पास भी जाओगे तो वो केवल बातों ही से आपका समाधान करेंगे, बट और ये नहीं बोलेंगे बेटा तुम्हारे बगल वाले कमरे में खजाना है, खोद लो, जे कर लो, ये बाबा का वो नहीं है। ये लोग तो मेरे को लगता है सब भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, तो लूटा जा रहा है लोगों को और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी चर्चा की आपने, और तर्कसंगत बातों की चर्चा यहाँ पर आपके द्वारा की गई। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम सोनू बर्मन, मैं नाव वाला हूँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।